आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। न्यूज चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। कोकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी माइनॉरिटी चेयरमैन कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अब्दुल अजीम ने ईद उल अधा के मौके पर तमाम आलिम इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश की और चंद अहम हिदायतें दी। इन्होंने कहा कि जो लोग बकरे ईद पर कुर्बानी दे रहे हैं वो साफ सफाई का खास ख्याल रखें, वेस्ट कचरे को कहीं दूर ले जाकर डालें, सड़कों पर खुला ना डालें। इन्होंने मजीद कहा कि घरों के पास जानवर लेकर आए तो उस जानवर का खास ख्याल रखें, आस पास में साफ सफाई रखें ताकि डेंगू मच्छर से बीमारियां ना आए। गंदगी से मच्छर की पैदावार होती है और बीमारियों का खदशा है। जानवर घर को लाते ही पानी से जानवर को साफ करें। जो जो जीएचएमसी से जो कवर देते हैं उस कवर में ही वेस्ट कचरे को डालकर जीएचएमसी गाड़ी वाले को दे दे। जीएचएमसी के औजारों के साथ ताउन करें, शहर को साफ सुथरा रखें, अपने घर के पास और अपने मोहल्ले में गंदगी ना होने दे। ईद के दिन नमाज अदा करें, बाद नमाज के कुर्बानी दे दे और तमाम गरीब लोगों का ख्याल रखें, अपनी ईद खुशी के साथ बिताएं। आइए सुनते हैं तफसील इन्हीं की जुबानी, हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं मोहम्मद अब्दुल रहीम अजीम, कांग्रेस पार्टी चेयरमैन कोकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये अवाम न्यास को इत्तला दे रहा हूँ कि मिल्लत इस्लामिया से अपील है मेरी कि अब कुर्बानी का मौका है। ईद उल जुहा जो 29 तारीख के दिन है उसको बकरों की कुर्बानी, गायों की, बड़े जानवर की और अपने कुर्बानी देना चाह रहे हैं। जितने भी हजरात अपने सफ़ैयत का ख्याल रखिए, अपन इस ईद को बखूबी हिंदू भाइयों के साथ मिलके अच्छे तरीके से सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सब मिलके आपसदारी में गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए ये प्रोग्राम ईद उल जुहा का बेहतरीन अंदाज में अच्छे तरीके से दिल से इखलास के साथ इसको मनाना चाहिए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मामला था, अपने पर कुर्बानी फ़र्ज़ की गई, जो भी साहिब हैसियत मुसलमान है उनको जो है फ़र्ज़ जो की गई, उस जज्बे के तहत ये कुर्बानी ईद मनाने का है। और जो भी निकलता है अपने अड़ोस पड़ोस में एक नए पैसे की तकलीफ़, किसी को एक बराबर तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, उसका ख़ास ख्याल रखिए और सफ़ैयत का ख़ास ख्याल रखिए। बल्दिया वाले भी आए तो बल्दिया वालों का भी ख्याल रखिए। अपन कुर्बानी इखलास के साथ देते हैं। तमाम उम्मत मुसलमान से मैं अपील, पुरजोर अपील कर रहा हूँ कि इसको अच्छे तरीके से मनाइए, अल्लाह ताला अपने कुर्बानियों को कबूल करे। पुरजोर अपील है, दिन शाम में 7:30 बजे की मेरे को फ़्लाइट है, यहाँ से मक्के मुकरमा निकलूँगा इंशाल्लाह। ईद के दूसरे दिन जो है मेरा उम्रा होगा। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, मैं 10 दिन के टूर पे जा रहा हूँ, उम्रा कबूल करें, बल्कि आप लोग भी दुआएं करिए।